उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में व्यापारियों का काफी महत्व है और एक बड़ा वोट बैंक व्यापारियों का है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री से लेकर सभी पार्टियों के नेता साधने में लगे हैं। जिसको लेकर यूपी सरकार उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 जनवरी को व्यापारियों को लेकर होने जा रहे आगाज 2022 कार्यक्रम करने जा रही है, जिसको लेकर आज उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी व्यापारियों से मिलने बरेली पहुँचे। उन्होंने मंडल भर के व्यापारियों से कहा कि बड़ी संख्या के व्यापारी इस कार्यक्रम में शामिल हो, व्यापार को कैसे रफ्तार मिले उस पर इस कार्यक्रम में मंथन होगा। इस कार्यक्रम में रेड़ी पटरी वाले से लेकर हर तरह का व्यापारी मौजूद रहेगा। बरेली उत्तर प्रदेश से फैयाज खान की रिपोर्ट, देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें। अपनों की खबर आप तक। एक काटते हैं गोल, विधानसभा है ऐसी गोल, एक स्लाइस में सपा बसपा और कांग्रेस है, बाकी पूरे में बीजेपी। 2017 के बाद लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया, ये डबल इंजन की सरकार ने काम किया, तो 2019 में भी हमारा वोट का प्रतिशत बढ़ा और प्रचंड बहुमत के साथ आए। लोग कहते थे सपा बसपा इकट्ठा हो जाएगी तो बड़ा गजब हो जाएगा, और यूपी को साथ पसंद है, ये भी आपने देखा कि सपा और कांग्रेस इकट्ठे हो लिए, बसपा और सपा इकट्ठे हो लिए। इस प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जान चुकी है हमारा हित कहाँ है, इस प्रदेश का भला कौन कर सकता है, इस देश का भला कौन कर सकता है। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से बनेगी। मंत्री जी, 21 साल की एज जो लड़कियों की शादी की रखी गई, विपक्ष उस पर भी सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना और विपक्ष की हर बात का जवाब देना। मैं ऐसा समझता हूं कि विपक्ष में आज कोई है ही नहीं है, जनता ने इनको नाकार दिया है और अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बयानबाजी, कुछ भी सवाल खड़े करना इनका काम है और ये करते रहेंगे। जनमानस को पता है कि हमारा भला कहाँ है और हमें कहाँ वोट देना। मंत्री जी, हिंदू और हिंदुत्ववादी पे संग्राम चढ़ा हुआ, राहुल गांधी कहते हैं मैं हिंदू हूँ हिंदुत्ववादी नहीं हूँ, क्या कहेंगे? अब हम यही कहेंगे कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, या क्या कहते हैं इनका मतलब, अगर 5 मिनट बाद इनसे पूछिए तो ये खुद ही नहीं बता पाएंगे हमने क्या कहा और क्या इसका मतलब है। इनको तो कोई लिख पढ़ के दे देता है, अखिलेश यादव को कोई लिख पढ़ करके दे देता है, अपना दिमाग लगाते नहीं, वही बोल देते हैं। और लिखने पढ़ने वालों को भी इसी तरह सद्बुद्धि दे भगवान के, ऐसे ही ये करते रहे, हमारा काम आसान हो जाएगा। मंत्री जी, बरेली से लखनऊ के लिए कब तक उड़ान संभावित है? देखिए, लखनऊ के लिए उड़ान कब तक संभावित है, हमने बहुत सारी एयरलाइंस हैं उन लोगों से बातचीत किया है कि प्रयागराज, बरेली, बरेली लखनऊ, बरेली बनारस, बरेली गोरखपुर, ऐसी जो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी है ये बढ़े कैसे, इसके लिए हमने तमाम एयरलाइंस को लिखा है, पत्र भी लिखा है और उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन उनका अपना वायबिलिटी और तमाम चीज़ें चेक करना होता है, तो उसके हिसाब से वो चलाएंगे। आप सब निश्चिंत रहिए, ये सपा की झूठ फरेब और वादों वाली सरकार नहीं है, ये कांग्रेस की वादों वाली सरकार नहीं है और ना ये बसपा की मायावी सरकार है जिसे केवल पैसे और रुपए से मतलब है तिजोरी कैसे भरी जाए। ये सरकारों में, सपा की सरकार में उन्होंने यादव को भी नहीं छोड़ा, उनसे भी 10 लाख रुपए लेकर के नौकरी दी, बसपा में शेड्यूल कास्ट से भी पैसे लेके नौकरी दी। इस सरकार में आदमी आज छाती ठोक के कहता है कि सभी जाति धर्म के बेटी बेटों को नौकरी लगी, चाहे पुलिस की नौकरी हो चाहे